दोस्तों बिहार में रेलवे के लिए एक नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे ट्रेनों को सोलर एनर्जी से चलाने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर प्लांट लगाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि सबसे पहले सौर ऊर्जा से हावड़ा से बिहार होते हुए नई दिल्ली रेल रूट का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में इस योजना के लिए जमीन चिन्हित करने की तैयारी शुरू की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े खाली जमीन में रेलवे और सौर ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट स्थापित करेगा। यह पूरा कार्य निजी कंपनी द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों अभी के समय में भारत रेलवे में तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे में अब हाल में ही भारतीय रेलवे ने इस दिशा में बड़ा प्रयोग किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के बीना में लगा सोलर पावर प्लांट रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया है। यह सोलर प्लांट से 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा और इस प्लांट से बनने वाली बिजली से ट्रेनें चलाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनें के डिब्बे की छत पर सोलर पैनल लगाए थे। 15 जुलाई 2017 को भारतीय रेलवे की सोलर पावर सिस्टम की तकनीक पर आधारित पहली ट्रेन देश की रेल पटरियों पर दौड़ी थी। तब तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने स्पेशल EDMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रेलवे ने इस ट्रेन में कुल 10 कोच थे। इस ट्रेन में 8 कोच की छतों पर सोलर पैनल लगे थे। दरअसल इस सोलर पैनल की सहायता से बनने वाली बिजली से भारतीय रेलवे के ट्रेनों में लाइट और पंखे चलाए जाते हैं। लेकिन अब तक किसी भारतीय रेलवे नेटवर्क ने ट्रेनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बिहार रूट से सोलर एनर्जी से देश की पहली ट्रेन चलेगी तो न सिर्फ रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि होगी बल्कि बिहार जैसे राज्य के लिए गर्व का विषय भी होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, बिहार में सोलर एनर्जी से ट्रेन चल पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।